أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. ये सूरतुल अनफाल है और इस सूरत में कई अहकाम हैं जिनका ताल्लुक जिहाद से है, माल गनीमत से है, मुखालिफिन के साथ मामलात से हैं। और अनफाल नफलुन की जमा है, उस माल को कहते हैं जो जिहाद में गनीमत के तौर पर हासिल हुआ हो। जब बद्र का गज़वा पेश आया, जिसका तज़किरा अगली आयात में है, और उसमें माल गनीमत हाथ लगा, तो आपस में सहाबे किराम में राय का इख्तिलाफ़ हुआ कि इस माल का कौन ज़्यादा हकदार है, वो जो दुश्मन का पीछा करने दूर थे या वो ज़्यादा हकदार हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त के लिए वहाँ ठहरे हुए थे, या वो जिन्होंने आगे बढ़कर उस माल को इकट्ठा किया था। तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह फरमाते हैं कि लोग आपसे अनफाल के मुतालिक, माल गनीमत के मुतालिक सवाल कर रहे हैं, आप ये कह दीजिए कि सही बात यह है कि तुम में से किसी का इस पर कोई ज़ाती हक़ नहीं बनता। अल अनफाल लिल्लाही वर रसूल, ये अल्लाह और रसूल का हक़ है, लिहाजा वो जिस तरह चाहेंगे उसी के मुताबिक इसका फ़ैसला होगा। आगे दसवें पारे में इसके कुछ तफसील है कि उसको तकसीम कैसे किया जाएगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद बराबर पूरे लश्कर के लोगों में तकसीम कर दिया। फत्तकुल्लाह वास्लिहु ज़ात बैनकुम, इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो और आपस के इख्तिलाफ़ को जगह मत दो, इस्लाह की फ़िक्र करो। वातीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम वाक़ियातन मोमिन हो। अगली आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने सही मानों में कौन लोग अहले ईमान हैं और ईमान के तकाज़ों पर पूरा उतरते हैं उनकी सिफात ज़िक्र की हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, एक सिफत तो ये है ईमान वालों की कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उनके दिलों पर हैबत तारी हो जाती है, उनके दिलों में खौफ महसूस होता है, वो अल्लाह की अज़मत अपने दिलों में महसूस करते हैं कि अल्लाह कितनी अज़मत वाले हैं, कितने शान वाले हैं, और उसकी वजह से वो अहकाम पर ज़्यादा एहतमाम के साथ कारबंद होते हैं। एक तो ये है, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमान। दूसरी सिफत ईमान वालों की यह है कि जब उनके सामने कुरान करीम की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो यूं ही वो गफलत के साथ उसको सुनकर आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि उसमें गौर करते हैं, पूरी तवज्जो के साथ इन आयात को सुनते हैं, जिसके नतीजे में उनके ईमान में और इजाफा हो जाता है।
अंदर की जो कैफियत है, अंदर के जो जज्बात हैं, उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है कुरान करीम को सुनने के बाद, कुरान करीम की आयात को सुनने के बाद। तो ये ईमान वाले हैं। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। तीसरी सिफत उनकी ये है कि खाक कैसे ही ख़राब हालात हों, लेकिन वो हमेशा अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का ये मतलब हरगिज़ नहीं, हदीस पाक में वजाहत है कि आदमी असबाब को ही इख्तियार न करे, नहीं, ये तवक्कुल का मतलब नहीं है। तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे का मतलब ये होता है कि आदमी उसके लिए वसाइल को इख्तियार करे, असबाब को इख्तियार करे, लेकिन उसका नतीजा और अंजाम ये अल्लाह के सुपुर्द कर दे। एक आदमी को अपने कारोबार में तवक्कुल से काम लेना चाहिए, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो दुकान ही ना खोले, सामान ही ना बेचे, बल्कि मतलब ये है कि वो दुकान खोलेगा, सामान बेचेगा, ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दुकान पर आए इसके लिए कोशिश करेगा। लेकिन फिर तवक्कुल का क्या मतलब? तवक्कुल का मतलब ये है कि उसके बाद उसमें क्या नफ़ा होगा, क्या होगा, इसको अल्लाह पर सौंप दे, और कभी अगर घाटा भी हो जाए तो ये समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से है। तो कोशिश हर काम के लिए करना है, उसके नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है, ये है दर हकीकत तवक्कुल। तो ये ईमान वालों की सिफत है। अल्लज़ीन युकीमून अस्सलाह। चौथी सिफत ईमान वालों की ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेना और है और नमाज को कायम करना और है। नमाज को कायम करने का मतलब उलमा और मुफस्सरीन ने यह ज़िक्र किया है कि जिस तरह नमाज को पढ़ने का हक है, उस हक को अदा करने की कोशिश करते हैं। उसमें ज़ाहरी एतबार से जो आदाब हैं, जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, बल्कि जो सुनन हैं, मुस्तहब्बात हैं, उन सब का लिहाज करते हैं और पूरी तवज्जो के साथ, खुशू के साथ, खुजू के साथ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ नमाज में मुतवज्जे होते हैं। ये ईमान वालों की सिफत है। और याद रखिए, जिस नमाज पर वादा है वो यही नमाज है। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई से और बुरी बातों से रोक देती है, ये वही नमाज है जो ज़ाहरी एतबार से भी, जिसमें सुन्नतों का अहतमाम हो, आदाब का लिहाज हो, वुज़ू इसी तरह किया जाए जैसे वुज़ू करने का हुक्म दिया गया है, बल्कि वुज़ू से पहले का जो मरहला है कि आदमी पाकी हासिल करे वो भी अहतमाम के साथ हो, और उसके बाद फिर वुज़ू करे और उसमें क़िबला रू बैठा हो और दुनिया की बातें न करे, हर हर उज़्व को अच्छी तरह धोने की कोशिश करे, फिर जब नमाज के लिए खड़ा हो तो आदाब का, सुनन का, हर चीज़ का लिहाज रखे और दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो, उस नमाज पर यह वादा है कि आदमी अगर इस तरह नमाज पढ़ना शुरू कर देगा तो वो दूसरे बुराई के कामों से अल्लाह तबारक व ताला उसे बचा लेंगे। वरना आजकल जो हमारी नमाज होती है उसमें इकामत सलात तो है नहीं, हमारी नमाज तो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो गई है कि जैसे पंखा चल रहा है और बटन जैसे ऑन किया पंखा चलने लगा और फिर एक मरतबा बटन दबाया पंखा बंद हो गया। यही हाल है कि हम एक मरतबा अल्लाह अकबर कह के नमाज में चले जाते हैं और फिर इमाम ने क्या पढ़ा और किस तरह कब रुकू हुआ, कब सजदा हुआ, कुछ पता नहीं रहता। सलाम फेरने के वक्त पता चलता है कि अच्छा दो रकात या चार रकातें हो गई। तो इस तरह ये गफलत के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है, इस पर वादा नहीं है, चाहे अल्लाह अपने फ़ज़ल से उस पर भी अता कर दें वो अलग है। इसलिए नमाज जो है वाकईतन बहुत अहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। कभी आप इरादे से दो रकात इस तरह पढ़ के देखिए, रात में देखिए, उससे अंदर कैसी तमानीनत हासिल होती है और उस नमाज में कितना लुत्फ आता है और मज़ा आता है। तो अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों की सिफत ये है कि नमाज को कायम करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। ईमान वालों की पांचवी सिफत यह है कि हमने उन्हें जो माल अता किया है उसमें से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वो बखीलों की तरह वो नाग बनकर अपने ख़जाने पे बैठ नहीं जाते, बल्कि उसमें गरीबों का भी ख्याल रखते हैं, पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं, कमज़ोरों का ख्याल रखते हैं, उन सब पर खर्च करते हैं। तो जिनके अंदर वाक़ियातन ये सिफात हैं,
कि अल्लाह का जब जिक्र हो तो उनका दिल दहल जाता है, क़ुरान करीम की तिलावत हो तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, नमाज को उसके तमाम शराइत और आदाब के साथ अदा करते हैं और अल्लाह ने जो कुछ अता किया उसमें से खर्च करते हैं। जो लोग इन सिफात के हामिल हैं, अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही लोग सही मानों में साहिब ईमान हैं, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, रब के यहाँ इनके लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, व मगफिरा, और मगफिरत है और उम्दा रोज़ी है। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फिर ग़ज़वे बदर का तज़किरा किया है और उसकी बहुत सी तफसीलात हैं। ये जो ग़ज़वे बदर है, ये सन 2 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक में ये ग़ज़वा पेश आया, और जैसा कि आयात में भी इसकी तरफ इशारा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले के लिए निकले। कब निकले? जब ये पता चला कि मक्का के जितने सरदारान हैं और बल्कि वहाँ के आम सरमायादार भी, आम लोग भी, इन सब ने अपनी पूंजी जमा करके एक बहुत बड़ा लश्कर तरतीब दिया था और एक बड़ी जमात को तरतीब देकर उन सब को भेजा था बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए, और उसका अमीर अबू सुफियान को बनाया था। उनकी सरकर्दगी में ये तिजारती काफ़िला तिजारती सामान लेकर और सरमाया लेकर वापस आ रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, कुफार मक्का अभी तक अपनी शरारतों से बाज नहीं आए थे और उन्हीं के मजालिम से तंग आकर मुसलमानों को मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ना पड़ा था, उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, और ज़ाहिर है कि इन सारी हरकतों में इसको बड़ा दखल था कि माली एतबार से वो मजबूत थे, इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि माली एतबार से अगर इनको कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इनकी कमर तोड़ी जा सकती है, तो इससे जो उनकी शरारत है वो ख़त्म हो जाएगी और दुनिया को अमन और इंसाफ के रास्ते और ज़्यादा कुशादगी के साथ नसीब होंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम में ऐलान किया कि उस काफ़िले को रोकने के लिए जाना है। उसमें जो हजरात वहाँ मौजूद थे उनको कहा गया कि तुम साथ हो लो, जिनके पास सवारी का इंतज़ाम हो सकता था, हत्ता कि बाज़ वो सहाबे किराम थे जिनकी सवारियाँ अपने अपने गाँव में थी लेकिन वहाँ देहात में भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई कि इतना मौका नहीं है। तो ये मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। उस वक्त तक मुसलमानों को बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ किसी बड़ी जमात से लड़ाई होनी है, वो तो ये समझे कि 30-40 अफराद पर मुश्तमिल तिजारती काफ़िला है, उस काफ़िले को रोकना है। चुनांचे वो वहाँ से रवाना हुए। उधर ये हुआ कि अबू सुफियान को किसी तरह इत्तला हो गई और अबू सुफियान ने एक तो कुरैश के पास कासिद भेज दिया कि हमें डर है कि हमारा रास्ता रोका जाएगा, इसलिए तुम लोग एक जमीयत लेकर आ जाओ, और दूसरी तरफ अबू सुफियान काफ़ी होशियार और समझदार आदमी थे तो उन्होंने अपने काफ़िले का रास्ता ही बदल दिया। वो समंदर के किनारे होते हुए दूसरे रास्ते से वो मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचने में कामयाब हो गए और इस तरह वो मुसलमानों के हाथ नहीं लग सके। अब वहाँ से जब मक्का वालों को पता चला कि हमारे काफ़िले को रोका जा सकता है तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। अबू सुफियान ने कुछ दिनों के बाद कहलवा दिया कि हम बहिफाजत पहुंच रहे हैं इसलिए अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन अबू जहल वगैरह की राय हुई कि नहीं, अब जब हम एक मर्तबा निकल गए हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम बदर के मकाम तक जाएंगे और वहाँ रुकेंगे और वहाँ चरागा करेंगे और कुछ मजलिस जमेगी ताकि मुसलमानों पर हमारा और रौब तारी हो जाएगा और मुसलमानों के सामने हमारी शौकत का इजहार होगा। चुनांचे वो लोग आगे बढ़ते रहे। अब यहाँ गोया दो जमातें हैं, एक जमात तो वो है जो अबू जहल की सरबराही में मक्कतुल मुकर्रमा से साजो सामान से लैस होकर मुसलमानों के मुकाबले पर आई है, ये तकरीबन 1000 है, और एक जमात वो है जो अबू सुफियान के साथ है जिसमें सिर्फ 30-40 आदमी हैं और उनके पास बहुत सरमाया है, तिजारती माल है।
अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों से ये कहा कि देखो, इन दो में से एक का वादा है, वइज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफ़तैन अन्नहा लकुम, कि इन दो में से एक जमात पर अल्लाह तुमको गलबा अता करेंगे, वतवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौका तकूनु लकुम, और तुम्हारा ये ख्याल था कि ये जो काफिला अबू सुफियान के साथ जा रहा है इसी से हमारा मुकाबला हो जाए, चूँकि इस पर काबू पाना आसान है और अच्छी खासी दौलत हमारे हाथ लग जाएगी। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, अल्लाह ये चाह रहा था कि नहीं, वो जो शान और शौकत और साजो सामान वाला काफिला है और पूरी जमात है, पूरा लश्कर है, उससे मुकाबला हो, ताकि हक बिल्कुल वाज़ह हो जाए और बातिल का कला कमा हो सके। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं। चुनांचे इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि ये मक्का से मुशरिकीन का ये लश्कर इतनी बड़ी जमात के साथ यहाँ आ गया है और साजो सामान से लैस है। तब आपने सहाबे किराम से मशवरा किया, चूँकि इस तरह मुकाबले की नीयत से तो आप वहाँ से बाहर तशरीफ़ लाए नहीं थे, लेकिन सहाबा ने बड़ी जानसारी की तकरीर की और फिर तय हो गया कि इनका मुकाबला करना है। जब मुकाबले के लिए सफ़बंदी हो गई तो उस वक्त खुसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दिए, इस तस्तगीसून रब्बकुम, और अपने रब से फरियाद की। उसी का तज़किरा यहाँ आयत में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया कि अल्लाह, ये छोटी सी जमात है, अगर ये हलाक हो गई तो रूए ज़मीन पर आपकी परस्तिश नहीं हो पाएगी, और आपने जो वादा किया है उस वादे को सच कर दिखाइए, उस वादे को पूरा कीजिए। और बड़ी मिन्नत और लजाजत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे। अल्लाह ने उस दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने फरिश्तों की भी जमात को भेज दिया। और इसके बाद अगली आयत में ये तज़किरा है, इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस, के चूँकि मैदान में जब मुसलमानों का इनके साथ मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ, तो ज़ाहिर है कि ये 1000 की तादाद है इनकी, और मुसलमान उनों की तादाद इसकी सिर्फ एक तिहाई है, 313 अफराद हैं, और इतना साजो सामान भी नहीं है, लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है, इसलिए एक खौफ की कैफियत थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके लिए दो इनाम किए, उसका तज़किरा, दो इनाम का तज़किरा है। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिस सुबह को लड़ाई होनी थी उस शब में सब पर नींद मुसल्लत कर दी, जितने उस काफ लश्कर के, मुस्लिम लश्कर के जितने अफराद थे 313, इनमें से हर एक को थोड़ी देर के लिए सही उन पर ज़रूर नींद मुसल्लत हुई, और सबको थोड़ी देर के लिए नींद आ गई, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिस्ना है। और उस नींद के बाद जब आँख खुली तो बिल्कुल दिमाग का बोझ हल्का हो चुका था, और तबीयत बहुत मुनशरे हो गई थी, और खौफ की कैफियत ख़त्म हो गई थी। तो एक तो अल्लाह ने यह फरमाया, इसलिए सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह फरमाते हैं कि मैदान जंग में नींद का आ जाना ये रहमान की तरफ से होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, कि दुश्मन सामने है और फिर भी आदमी को नींद आ गई और उससे उसका बोझ हल्का हो जाता है और एक नई कैफियत के साथ वो दुश्मन का मुकाबला करता है। और नमाज में नींद का आना ये शैतान की तरफ से है, तो वो शैतान इस तरीके से गफलत तारी करता है। तो बहरहाल एक तो अल्लाह ने ये इनाम फरमाया। दूसरा इनाम, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा, कि मुसलमानों का लश्कर जहाँ जाके ठहरा था वो नीचे का हिस्सा था और वहाँ पानी की भी तंगी थी, और जो कुफार का लश्कर था वो ऊपरी हिस्से में था, तो अल्लाह तबारक व ताला ने बारिश बरसाई जो ख़ासकर उस तरफ बहुत तेज़ हो गई, जिसकी वजह से कुफार के हिस्से में वो दलदल की कैफियत हो गई और उनके लिए चलना मुश्किल हो गया, और मुसलमानों का जो हिस्सा था वो और बेहतर हो गया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये फ़ज़ल फरमाया। उसके बाद फिर जब सफ आरा हुए और मुकाबला हुआ, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ास मदद फरमाई और मुसलमान गालिब रहे और काफिरों को शिकस्त फाश हुई। तफसीलात सभी हजरात जानते हैं। तो उनका तस्किरा इन आयात में है। अल्लाह तबारक व ताला ने वही की, और अल्लाह तबारक व ताला ने उस मौके पर बहुत से अहकाम भी ज़िक्र किए, और अल्लाह ने ये फरमाया फ़लम तख्तलू, कि ये जो 70 कुफ्फार के सरदार मारे गए ये
तुमने इनको नहीं मारा, वलाकिन्नल्लाह कतलहुम, अल्लाह ने इनको मारा है। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, और जिस वक्त आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप अपनी मुट्ठी में कंकरियाँ लीजिए और उसको दुश्मन की तरफ फेंक दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया तो वो हर तरफ उसका कुछ न कुछ असर पहुंच गया और उसी वक्त से दुश्मन पस्पा होने लगे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमारी तरफ से था, उसके अंदर ताकत और कुव्वत हमने पैदा की थी, और ये इसलिए ताकि ईमान वालों को ये दिखाया जा सके और दुनिया के सामने ये आ सके कि अल्लाह तबारक व ताला हक की और हक पर जमे रहने वालों की मदद करते हैं।